राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद कहा जा रहा था कि शायद मायावती अब राष्ट्रीय राजनीति की तरफ कदम ना रखें, लेकिन उपचुनाव में मिली जीत से गदगद अखिलेश के बाद मायावती ने भी 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। खबर है कि मायावती 14 साल बाद आम चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकती हैं। वो अम्बेडकर नगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। 2004 के बाद से लेकर अब तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती ज्यादातर चुनाव में मैदान में खुद ना उतरकर चुनाव प्रचार की कमान संभालती रही हैं। लेकिन इस बार उन्होंने खुद चुनावी मैदान में ताल ठोकने का मन बना लिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के यूपी चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी का मनोबल गिरा था, लेकिन गोरखपुर और फूलपुर सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा बसपा गठबंधन को मिली जीत ने पार्टी में जोश भरा है। कहा जा रहा है कि इसी उत्साह को कायम रखने के लिए अब मायावती 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों की माने तो मायावती उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि 2004 में आखिरी बार वे अंबेडकर नगर सीट से ही लोकसभा सांसद चुनी गई थीं। अंबेडकर नगर को बीएसपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार भी वो इसी सीट से किस्मत आजमाएंगी। आपको बता दें कि 1998, 1999 और 2004 में वे लोकसभा सांसद चुनी जा चुकी हैं। मायावती ने साल 2004 में लोकसभा से इस्तीफा देकर राज्यसभा की ओर रुख किया था, लेकिन बीते साल अपना तीसरा कार्यकाल पूरा होने के 9 महीने पहले ही उन्होंने दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया। पिछले साल 18 जुलाई को ही सहारनपुर हिंसा मामले में बोलने न देने से नाराज मायावती ने सदस्यता छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि उन्हें मनाने की काफी कोशिशें भी हुई थी, लेकिन मायावती नहीं मानी और अब खबर है कि वो लोकसभा के लिए चुनावी रण में उतरेंगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।